Hey everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about reproductive health. This is very much important for NEET examination. Let's start the awesome video ever. Yay! So are you ready guys? So let's start the video, okay? So हम आज पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. जैसा कि आपको इंट्रो में पता चल ही गया होगा और मैं इसे इतना ही शॉर्ट बना के लेके आई हूँ ना, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं एंड जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना, सिर्फ मैंने वहीं फोकस किया है और वही आपको बता दिया है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है. बाकी इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा लिखा हुआ है जो कि काम का नहीं है. सो आप देख ही लेते हैं क्या है ये, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सबको पता है कि रिप्रोडक्शन से, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ वगैरह होती हैं, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. फाइन. तो सबसे पहले इसमें चीज़ एक दी गई है, एनजीओ. एनजीओ तो सभी लोग जानते हैं, बट एनजीओ की फुल फॉर्म नहीं पता होती है सभी को. तो इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज. ओके, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि एनजीओ को क्या बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज. ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो इसमें हम फैमिली प्लानिंग की तो बात करेंगे ही भाई. तो सबसे पहले है फैमिली प्लानिंग हमने कब की थी, आई मीन हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुई थी 1951 में. बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कब, 1951 में फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग पे काम किया गया था, ठीक है? उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें आरसीएच. आरसीएच की फुल फॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. फाइन. अब आ जाते हैं एमनियोसिंथेसिस के बारे में. बहुत सुना होगा और इससे हर साल ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें हम बेबी का जेंडर, अब तो इलीगल है इंडिया के अंदर बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा ही होते हैं, मिसयूज़ कर लिए जाते हैं चीज़ों के इंडिया में, स्पेशली इंडिया में कुछ ज़्यादा ही. सो एमनियोसिंथेसिस को बंद कर दिया गया, अब इलीगल है, बट कुछ सालों पहले ये लीगल थी. इसका यूज़ हम क्यों करते थे, फॉर क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, कि अगर हम पहले ही देख लेंगे क्रोमोसोम्स में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं जो कि हम ठीक कर सकें, ठीक है? कुछ डिजीजेज बेबीज में होती हैं बाय बर्थ, तो वो ठीक हो सकती थी. बट तो क्या एमनियोसिंथेसिस में क्या यूज़ होता है, एमनियोटिक फ्लूड का यूज़ होता है, ठीक है? जिसमें हम, ये एमनियोटिक फ्लूड कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन सेल्स ऑफ फीटस, ठीक है? कहाँ प्रेजेंट होता है, फीटस के स्किन सेल में प्रेजेंट होता है एमनियोटिक फ्लूड, और जिससे हम करते हैं एमनियोसिंथेसिस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रोसेस कब से कब कर लेनी चाहिए, 14 to 16 वीक्स के अंदर कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में पॉसिबल नहीं हो सकता एमनियोसिंथेसिस, ठीक है? अब देख लीजिए, अब हम एमनियोसिंथेसिस से क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है? वी कैन फाइंड डाउन सिंड्रोम बाय दिस प्रोसेस. डाउन सिंड्रोम हो जाता है, वो कैसे होता है, ट्राइसोमी एट 21 क्रोमोसोम्स पे, ठीक है? तो डाउन सिंड्रोम का पता कर लेते हैं हम एमनियोसिंथेसिस के थ्रू. बट कांट फाइंड क्लेफ्ट पैलेट. क्लेफ्ट पैलेट के बारे में हम नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि ये क्यों होता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड की वजह से, ठीक है? इट्स एम्ब्रियोलॉजिकल इफेक्ट, ना कि क्रोमोसोमल इफेक्ट है ये. सो सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया एंड ये सब हम इसके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म किस चीज़ की है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, लखनऊ में प्रेजेंट है, जिसने सबसे पहले सहेली को इन्वेंट किया था. ये क्या है, वंस अ वीक पील है, पिल्स है, ठीक है? और इसका सॉल्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका सॉल्ट होता है सेंट क्रोम, हाँ, सेंट सेंट क्रोमैन, सेंट क्रोमैन, ठीक है, सॉरी, सेंट क्रोमैन होता है. ये क्या करता है, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स. ओके, सो अब आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे, ठीक है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हैं, जो जो कि मीन्स प्रेगनेंसी से बचाते हैं, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाते हैं, उनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव. सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं, ये NCERT में दिया हुआ है बहुत भर भर के. सो नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. इसमें क्या करते हैं, जो मेंसुरेशन से 5th डे से लेके, मतलब 10 to 7 डेज तक जो कि ये होता है मेंसुरल पीरियड, उसको अवॉइड कर देते हैं 10 to 7 डेज, ठीक है? जो कि बहुत ही ज़्यादा, 14 डेज ओवुलेशन होता है, सो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है देखा जाए तो प्रेगनेंसी के लिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल टाइम है, बट हम अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात करें यहाँ पे, ठीक है? सेकेंड वन इज़ विड्रॉ और कोइटस इंटरप्टस, ठीक है? और बाद में आ जाता है लैक्टेशनल एमनोहोरिया, ठीक है? इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 6 मंथ तक, जैसे पार्टुरेशन के 6 महीने के बाद में
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, ठीक है, इसे बोलेंगे हम लैक्टेशनल एनहोरिया, ठीक है, ओनली 6 मंथ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिजिकल बैरियर्स के बारे में। फिजिकल बैरियर में सबसे पहले हम मेल के फिजिकल बैरियर देखेंगे, तो उसमें आ जाते हैं कॉन्डम, सी किससे बने हुए होते हैं, लेटेक्स सी से बने हुए होते हैं, ठीक है। और जो इसमें एनसीईआरटी में एक पॉपुलर ब्रांड का नाम दे रखा है, उसका नाम है निरोध, सो इट्स इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं फीमेल बैरियर्स के बारे में, इसमें तो बहुत ही सारे हैं और ये सारे ही सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फाइन। तो फीमेल बैरियर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे अब डायफ्राम, फिर सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, वॉल्स, ठीक है, दे आर रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, मतलब रीयूजेबल भी होते हैं और कुछ मतलब परमानेंटली नहीं होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, इस स्पर्मिसाइडल क्रीम्स भी आ जाती हैं, जेलीज भी आ जाती हैं, जो फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। फोम्स भी होते हैं, हाँ। और ये बैरियर्स क्या कर देते हैं, इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। यूट्राइन डिवाइसेस नॉन मेडिएटेड में कौन कौन से आते हैं, लिप्स लूप, ठीक है, बेरियम सल्फेट, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या होती है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोरेट 375। एंड हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या क्या होती हैं, प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG20, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है, फाइन। और क्या हो गया, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में क्या होता है, कॉपर आयन सप्रेस कर देता है स्पर्मोटिलिटी को, सो। एंड लास्ट बैरियर्स दे रखे हैं इसमें ट्यूबक टमी एंड बेसेक्टोमी, ठीक है। ट्यूबक टमी होती है फीमेल के अंदर, एंड बेसेक्टमी होती है, बेसारेक्टा होता है, बेसेक्टमी होती है मेनली मेल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब एक बार अगर करा दिया गया है ट्यूबक टमी एंड बेसेक्टोमी, तो दोबारा से आप अगर सोचते हैं कि हमको प्रेगनेंसी चाहिए तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, ये सब रिवर्सिबल होती हैं, सो।